नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। पीएलएफआई ने कहा कि पुलिस और मीडिया रांची में बना रही है भय का माहौल। निवेश और फातिमा का पार्टी से कोई संबंध नहीं। बांग्लादेशी लड़की अंजलि और फातिमा का भी पार्टी सुप्रीमो से कोई संबंध नहीं है। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप ने कहा है कि निवेश कुमार समेत अन्य गिरफ्तार लोगों का पार्टी से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। बेवजह संगठन को घसीटा जा रहा है। बरामद की गाड़ी और 77 लाख रुपए निवेश कुमार के हैं या किसी कारोबारी के हो सकते हैं। दिनेश गोप ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि निवेश कुमार ठगी का काम करता है, किसी से ठगा होगा। बेवजह मीडियाबाजी कर निवेश कुमार को हीरो बनाया जा रहा है। इससे रांची में भय का माहौल बनाने का काम पुलिस और मीडिया कर रही है। बांग्लादेशी लड़की अंजलि उर्फ फातिमा का भी पार्टी सुप्रीमो से कोई संबंध नहीं है। उल्लेखनीय है कि रांची पुलिस ने बीते दिन पीएलएफआई संगठन के सहयोगी निवेश समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। साथ ही पुलिस ने 77 लाख रुपए नगद, हथियार, गोली, वाहन समेत अन्य सामान भी इनके पास से बरामद किया था। वहीं पुलिस की दर्ज प्राथमिकी में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि तीनों निवेश कुमार, शुभम पोद्दार और ध्रुव सिंह पीएलएफआई के सक्रिय सदस्य हैं। संगठन को मजबूत करने के लिए वे पीएलएफआई को हथियार के साथ सिम और अन्य जरूरतों के सामान उपलब्ध कराते थे। बीते 6 जनवरी को पुलिस ने निवेश के 3 साथियों आर्या कुमार सिंह, अमीर चंद उर्फ चाचा और उज्जवल कुमार को गिरफ्तार किया था। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।